In this video, I will show you how to deal with HTML5 element. जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं HTML का प्री टैग जी प्री, जिस तरह के नाम से जाहिर है प्री फॉर्मेटेड या प्री जो है हम मतलब पहले से जो है वो बना बनाया। तो चलो चलते हैं दोस्तों हमारी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन जो है उसकी तरफ। डेफिनेशन एंड यूजेज इसका दोस्तों, द प्री टैग डिफाइंस प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, टेक्स्ट इन अ प्री एलिमेंट इज डिस्प्लेड इन अ फिक्स्ड विथ फॉन्ट, fixed with font, text in a pre-element is displayed in a fixed width font and text preserves both spaces and line breaks. G, the text will be displayed exactly as written in the HTML source code. G, बिल्कुल दोस्तों, text in pre जो है eliminate elements is displayed in a fixed width font. जी दोस्तों, ये डिस्प्ले होगा, जो डिस्प्ले होगा प्री में लिखा होगा वो फिक्स विथ फॉन्ट के साथ होगा एंड टेक्स्ट प्रिजर्व्स Both spaces and line breaks. जी बिल्कुल, the text will be displayed exactly as written in the HTML source code. बिल्कुल ऐसे ही शो होगा जिस तरह आप HTML के अंदर लिखते हैं। पैराग्राफ के अंदर आप जो है वो पोइम नहीं लिख सकते हैं, लेकिन प्री के अंदर जो है आप पोइम्स वगैरह लिख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट क्या है हम अडोब रिमूवर CS6 में जाके देखेंगे, उसके बाद हाउ टू क्रिएट ए प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट विद फिक्स्ड विथ जो है विद CSS जो है हम वो करेंगे। तो चले चलते हैं दोस्तों अडोब रिमूवर CS6 की तरफ और देखते हैं कि हम वहां पे जो है इसको मजीद जो है किस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं। जी दोस्तों, ये रही अडोब रिमूवर CS6 की विंडो, इसके अंदर सेम पहले की तरह टाइटल है, मेटा डाटा है, हेड है, HTML है, डॉक्यूमेंट टाइप है, उसके बाद मैंने स्टाइल शीट जो है इसकी बाय डिफॉल्ट जो लुक है वो स्टाइल शीट में बना के साथ अटैच की है। उसके बाद प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट जो है मैंने H1 में लिया बॉडी के अंदर, उसके बाद टेक्स्ट इन अ प्री एलिमेंट जो इज डिस्प्लेड इन फिक्स्ड विद फॉन्ट एंड इज प्रिजर्व बोथ स्पेसेस एंड लाइन ब्रेक्स। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्री टैग को स्टार्ट किया था, यहाँ पे प्री टैग को क्लोज कर दिया। अब देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 और 5 लाइंस में है, तो मैं कंट्रोल एस करके F12 प्रेस करता हूँ, तो आप देखते हैं कि किस तरह से जो है ये सेम वैसे ही जिस तरह से मैंने जैसे डिफाइन किया था अपने अडोब रिमूवर CS6 के अंदर। तो सेम बोथ स्पेसेस, ये स्पेस भी हमने यहाँ पे छोड़ी थी, हर एक चीज जो है इसको एज इट जिस तरह से हमने उसे डिस्प्ले किया है लिखा है एज इट उसको उठाता है। आप देख रहे हैं दोस्तों कि किस तरह से कितने जो है हमें कोई लाइन ब्रेक एड नहीं करना पड़ा, कोई हमें इसके साथ जो है कोई इस तरह से कोई मतलब सेपरेट चीज हमें जो है ना वो एड नहीं करनी पड़ी। इसमें डिस्प्ले जो ब्लॉक था, अकाउंट फैमिली जो मोनो स्पेस है, और वाइट जो स्पेस है वो प्री है, और मार्जिन जो 1 EM 0 है। तो दोस्तों आई होप कि आपको प्री जो है एलिमेंट उसके यूजेज का पता चल गया होगा। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं प्री की दूसरी फाइल, उसके अंदर से वो ही पहले वाली चीजें हैं दोस्तों, लेकिन हाउ टू क्रिएट ए प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट विद फिक्स्ड विद CSS, तो हम इसे देखते हैं। तो हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे एक डिव टैग जो है हमने वो स्टार्ट किया। डिव के बारे में मैं आपको पहले से पढ़ा चुका हूँ, और डिव के अंदर हमने जो इंटरनल इनलाइन स्टाइल शीट है वो ऐड की, स्टाइल जो है विद 200 पिक्सल और ओवरफ्लो जो है वो ऑटो दे दिया हमने से, और प्री जो है दिस इज अ प्री विद फिक्स्ड विद इट विल यूज एज मच स्पेस एज स्पेसिफाइड। जी दोस्तों, ये ज्यादा स्पेस यूज करेगा जो जितनी इसको चाहिए उससे। ये हमने यहाँ पे प्री टैग स्टार्ट किया, यहाँ पे प्री टैग क्लोज किया, और यहाँ पे हम जो है वो डिव टैग जो अपना उसे क्लोज कर रहे हैं। तो दोस्तों चलो चलते हैं ब्राउजर की तरफ और देखते हैं कि ये किस तरह से शो होगा। जी दोस्तों, आपने देखा कि दिस इज प्रीफिक्स के जिस तरह आई फ्रेम हम यूज करते हैं, आई फ्रेम की तरह इसने उसी टैक्स को जो है वो शो किया। जो है CSS को यूज करते हुए हम उसी तरह से जो है इसको जो है वो शो कर रहे हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ आ गई होगी, अगर ना आई हो तो आप इसकी सोर्स फाइल डाउनलोड करें और वहां से जाके आप इसे जो है मजीद समझें। अगर फिर भी ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें, और जो लोग चैनल पर नए आते हैं उनको वीडियो अच्छी लगती है, चैनल अच्छा लगता है, तो उनको चाहिए कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो साथ साथ मिलते रहे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपने ट्यूटर मोहम्मद असद अब्बास को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।